यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये लेवल वन के क्वेश्चंस आपके पूरे हो चुके थे, अभी हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर आप कर रहे हैं उसका लेवल टू के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन लेवल टू के क्वेश्चंस आपको बताया इसके पहले, एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें एनसीईआरटी मार्क्ड है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मार्क्ड है या सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन आए सीबीएसई मार्क्ड है, ये तीन टाइप के क्वेश्चंस आप लेवल टू के करेंगे। वैसे जो स्टूडेंट्स को आईआईटी जेई के लिए प्रिपरेशन करना है 11-12 में, सारे क्वेश्चंस कर सकते और जो भी डिफिकल्टीज हमसे पूछ सकते। और जब स्कूल ऑफलाइन क्लासेस जब आपकी शुरू होगी उस वक्त जो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके रहेंगे उसको हम सॉल्व करके बताएंगे। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से लेवल टू के क्वेश्चन सिर्फ मार्क्ड वाले करना है, एक जिसमें एनसीईआरटी मार्क्ड है, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है या जिसमें सीबीएसई मार्क्ड है, बस ये तीन टाइप के क्वेश्चन। लेवल टू के जितने भी अनमार्क्ड क्वेश्चन वो करने की जरूरत नहीं, लेवल वन के सारे क्वेश्चन आपको करना है। लेकिन जितने स्टूडेंट्स को आईआईटी जेई का प्रिपरेशन करना है लेवल टू के सारे क्वेश्चन कर सकते और कुछ भी डिफिकल्टीज है हमसे पूछ सकते, या आप जब ऑफलाइन क्लास आपकी स्कूल में स्टार्ट होगी उस वक्त भी जो भी डिफिकल्टीज आप पूछ सकते हैं। नए क्वेश्चन नंबर 32 लेवल टू का सॉल्व एग्जाम्पल है, तो लेवल टू के सॉल्व एग्जाम्पल भी और लेवल टू के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो मार्क्ड वाले सारे कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पेज 12.18 क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है। सो क्वेश्चन में क्या दिया, एक वर्टिकल टॉवर है सरमाउंटेड बाय फ्लैग स्टाफ। देखिए वर्टिकल टॉवर सरमाउंटेड बाय फ्लैग स्टाफ, उसका मतलब होता है कि एक टॉवर है उसके ऊपर सरमाउंटेड यानी उसके ऊपर फ्लैग स्टाफ है। ये फ्लैग स्टाफ जिसमें फ्लैग का पोल भी आएगा, फ्लैग आएगा पूरा मिला ग्रेट स्कॉलर फ्लैग स्टाफ। सो क्वेश्चन में क्या दिया, अ वर्टिकल टॉवर सरमाउंटेड बाय अ फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट एच, इसकी हाइट एच फ्लैग स्टाफ की हाइट एच दिया है ऑफ हाइट एच, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये एक पॉइंट डी है यहां से फ्लैग स्टाफ का टॉप, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहे एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, और इसी पॉइंट से फ्लैग स्टाफ का बॉटम या टॉवर का टॉप, इसको फ्लैग स्टाफ का बॉटम बोलेंगे या टॉवर का टॉप बोलेंगे, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर देख रहे यहां पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। हमको प्रूफ करना है कि जो हाइट है ये हाइट टॉवर की हाइट, देखिए इसको वाई मार्क किया है, क्या मार्क किया एक्चुअली वाई, हमने अज्यूम किया फिगर में भी ऐसे मार्क है बुक में, सो वाई यू कैन अज्यूम एनीथिंग। तो सपोज ये वाई जो है वाई यानी प्रूफ दैट हाइट वाई ऑफ टॉवर इज, ठीक है, दिस एच टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा, हमने वाई इज इक्वल टू लिख दिया है लेकिन बस बुक में इतने दिया है, ठीक है, हाइट ऑफ टॉवर इज, और टॉवर की हाइट को किससे डिनोट कर रहे हैं वाई से। सो वाई की वैल्यू क्या प्रूफ करना है हमको, कि वाई की वैल्यू एच टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा, ये एच क्या है फ्लैग स्टाफ की हाइट है, एच फ्लैग स्टाफ की हाइट है, वाई क्या है टॉवर की हाइट, जो हमको प्रूफ करना है। और टॉवर के फुट से ये पॉइंट जहां से हम देख रहे हैं फ्लैग स्टाफ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा और फ्लैग स्टाफ का बॉटम या टॉवर के टॉप को देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा। सो टॉवर के फुट से ये पॉइंट का डिस्टेंस एक्स अज्यूम किया लाइक दिस, ओके, सो दिस व्हाट यू हैव टू डू। सिंपल क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दिया है, अ टॉवर, एक वर्टिकल टॉवर है सर माउंटेड बाई फ्लैग स्टाफ, यानी एक वर्टिकल टॉवर है सर माउंटेड बाई फ्लैग स्टाफ यानी उसके ऊपर माउंट किया है फ्लैग स्टाफ, एक पॉइंट डी है यहां से फ्लैग स्टाफ के टॉप को देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा आ रहा, और यहां से फ्लैग स्टाफ के बॉटम को देख रहे या टॉवर के टॉप को देख रहे एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा आ रहा। हमको प्रूफ करना है कि जो टॉवर की हाइट वाई है, क्या प्रूफ करना, टॉवर की हाइट जो वाई है वो एच टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा है ना। कभी भी इस टाइप के इक्वेशन आगे प्रूफ करने के लिए इक्वेशन, तो उसमें यह देखना पड़ेगा इक्वेशन में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन कौन कौन सा दिया, एक दिया है टैन अल्फा, एक दिया है टैन बीटा, ये भी टैन अल्फा है, इसका मतलब हमको जो भी फिगर है ये फिगर से टैन अल्फा की वैल्यू निकालना पड़ेगा टैन बीटा की, किसकी इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा टैन अल्फा और टैन बीटा, क्यों, क्योंकि इक्वेशन भी दिया, देखिए टैन अल्फा दो जगह दिया, ये टैन अल्फा और यहां टैन बीटा, सो हमको क्या करना पड़ेगा सिर्फ ये जो फिगर है फिगर से टैन अल्फा की वैल्यू टैन बीटा की वैल्यू, और हमको इक्वेशन में क्या क्या चाहिए, एच और वाई चाहिए, क्या चाहिए इक्वेशन में, एच भी चाहिए और वाई भी चाहिए, एक्स नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, देखिए इक्वेशन में एच चाहिए और वाई चाहिए, यानी एच भी चाहिए वाई भी चाहिए और एक्स इक्वेशन में कहीं नहीं है, एक्स नहीं है, तो जो नहीं है जैसे एक्स नहीं है तो हम दो ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में टैन बीटा का इक्वेशन निकालेंगे, एक में टैन अल्फा, और टैन अल्फा टैन बीटा से इक्वेशन बनाएंगे किसका, एक्स का, जो चीज हमको फाइनल इक्वेशन में नहीं चाहिए एक्स नहीं चाहिए तो हम इक्वेशन बनाएंगे एक्स का, तो एक ट्रायंगल टैन बीटा वहां से इक्वेशन बनाएंगे एक्स का,
दूसरा बड़ा ट्रायंगल टैन अल्फा, वहां से इक्वेशन बनाएंगे एक्स का और दोनों एक्स के इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज अ प्रोसीजर। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो इक्वेशन आपको प्रूफ करना है उसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से दिए हुए हैं। तो बताइए यहां क्या दिया है, टैन अल्फा है दो जगह और टैन बीटा, यानी हमको एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल लेके टैन अल्फा की वैल्यू निकालना पड़ेगा छोटे ट्रायंगल से टैन बीटा। और ये टैन अल्फा टैन बीटा का इक्वेशन लिखने के बाद हमको इक्वेशन बनाना किसका पड़ेगा, इस इक्वेशन में एच भी है वाई भी है, क्या क्या है, एच है और क्या है वाई है, और क्या नहीं है एक्स नहीं है, जो नहीं है एक्स नहीं है तो इक्वेशन एक्स का बनाएंगे किसका, तो बड़ा ट्रायंगल टैन अल्फा से इक्वेशन एक्स का बनाएंगे, छोटा ट्रायंगल टैन बीटा से इक्वेशन एक्स का बनाएंगे और दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने से आपको यहां से मिल जाएगा। जस्ट ये यानी कितने स्टेप्स रहेंगे बेसिकली, एक्चुअली तीन स्टेप्स, बड़ा ट्रायंगल से टैन अल्फा की इक्वेशन बना के एक्स का इक्वेशन निकालेंगे, छोटे ट्रायंगल से टैन बीटा का इक्वेशन बना के एक्स का इक्वेशन निकालेंगे और दोनों एक्स के इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, विल गेट द आंसर। सब देखिए आप ऐसे एक ट्रायंगल, तो कोई भी पहले छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल कोई भी ले सकते, सपोज आई एम टेकिंग स्मॉल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल कौन से ले रहे, बी से सी, बी से सी की वैल्यू क्या है वाई, ये बी से लेकर सी तक ये वाई लाइन दिस हाइट ऑफ टॉवर, बी से लेकर सी तक, बाद में सी से लेकर डी तक, सो बी से सी, सी से डी, डी से बी लाइन दिस। तो सबसे पहले ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी का हम फिगर यहां पे दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं छोटे से, ये बी सी एंड दिस इज डी, ये एंगल 90 डिग्री है सी पे, ये देखिए यहां पे 90 डिग्री, यहां पे एंगल बीटा है, छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ऊपर से नहीं बी से, बी से सी, यस सी, यहां पे देखिए पहले छोटा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे बी सी डी जिसका एंगल अल्फा है, जिसका एंगल कितना है अल्फा, बी सी डी, बी से सी यानी वाई, सी से डी यानी एक्स, और बाद में डी से बी, ये एंगल अल्फा है, अल्फा का अपोजिट एक्चुअली वाई है और इसका एडजेसेंट एक्स है। सो क्वेश्चन में एक्चुअली इसका फ्लैग स्टाफ का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा दिया है, फ्लैग स्टाफ के टॉप का, और बॉटम का अल्फा दिया है, क्वेश्चन में फ्लैग स्टाफ का जो बॉटम है उसका एंगल अल्फा दिया है और टॉप का एंगल बीटा दिया हुआ है, दिस आई थिंक सी एंगल बीटा, ये करेक्शन है अल्फा बीटा। सब ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल लिया बी सी डी, ये बी सी डी, बी सी डी में यहाँ पे सपोज ये एंगल अल्फा, अल्फा का अपोजिट क्या है टॉवर की हाइट वाई और एडजेसेंट कौन सा है एक्स, यहां से टैन अल्फा, टैन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा का अपोजिट बी सी अपॉन एडजेसेंट डी सी, बी सी की जगह वाई लिख दिया और डी सी की जगह एक्स लिख दिया। अब हमको जो फाइनल इक्वेशन उसमें देखिए टैन अल्फा भी चाहिए वाई भी चाहिए, सो टैन अल्फा भी चाहिए वाई भी चाहिए लेकिन एक्स नहीं चाहिए, इसलिए इक्वेशन एक्स का बनाएंगे, ठीक है ना, जिस तो हमको टैन अल्फा भी चाहिए फाइनल इक्वेशन में, वाई भी चाहिए क्योंकि हाइट ऑफ टावर वही है वाई वाई, ये प्रूफ करना हमको, और एक्स नहीं चाहिए, तो इक्वेशन एक्स को और एक्स का इक्वेशन मानने के लिए दोनों को एक्सचेंज कर दिए, क्या आ जाएगा एक्स यहाँ आ जाएगा टैन अल्फा यहाँ पे, तो एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन टैन अल्फा इक्वेशन नंबर वन, एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पहले छोटा ट्रायंगल लिया, कौन सा ट्रायंगल लिया बी से सी, सी से डी, डी से, ये बी सी छोटा ट्रायंगल जिसका एंगल अल्फा है, और बी सी की वैल्यू क्या है वाई, सी डी की वैल्यू कितनी है एक्स, और ये एंगल कितना है अल्फा, ये बनाया, और यहाँ से टैन अल्फा का इक्वेशन, टैन अल्फा इज इक्वल टू, टैन का फॉर्मूला क्या अपोजिट अल्फा का अपोजिट है बी सी अपॉन एडजेसेंट डी सी, और फिर बी सी क्या क्या पुट कर देंगे वाई, और डी सी क्या पुट कर देंगे एक्स, चेक कर ले यहाँ पे देखिए बी सी क्या वाई है, बी सी क्या वाई और सी डी क्या एक्स है, तो टेन अल्फा इज इक्वल वाई अपॉन एक्स, हमारे फाइनल इक्वेशन में टेन अल्फा चाहिए और हाइट ऑफ टावर ही प्रूफ करना, वाई भी चाहिए, टेन अल्फा चाहिए वाई चाहिए एक्स नहीं चाहिए, इसलिए इक्वेशन एक्स का बनाएंगे, उसके लिए एक्स को यहाँ लाएंगे टेन अल्फा को यहाँ पे एक्सचेंज कर देंगे, तो एक्स इज इक्वल वाई अपॉन टेन अल्फा इक्वेशन नंबर वन। इसके बाद क्या करेंगे, छोटा ट्रायंगल लिया अल्फा वाला, बड़ा ट्रायंगल लेंगे बीटा वाला, कौन सा ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ए से लेकर सी तक पूरा, सी से लेकर डी तक और डी से लेकर ए तक, ए सी डी, तो ट्रायंगल ए सी डी लिया, ए सी डी, नौ ए सी में देखिए क्या है, ए सी में ए बी का हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ एच बी आएगा और टावर का हाइट वाई भी आएगा, ए सी में दोनों ऐड होंगे एच प्लस वाई, देखिए दोनों ऐड होंगे एच प्लस वाई, तो ए सी, ये फ्लैग स्टाफ का हाइट ए बी, देखिए फ्लैग स्टाफ का हाइट ए बी एच है और टावर का हाइट बी सी वाई है, तो ए बी एच है बी सी वाई है और ए सी में दोनों ऐड होंगे एच प्लस वाई, और इसका एंगल बीटा का भी एडजेसेंट साइड एक्स है, और यहाँ से टैन बीटा का इक्वेशन, टैन बीटा इज इक्वल टू टैन बीटा का फॉर्मूला क्या अपोजिट, बीटा का अपोजिट पूरा है ए सी, ए सी अपॉन एडजेसेंट डी सी, और ए सी क्या क्या पुट करना पड़ेगा, ए सी में दोनों ऐड करना पड़ेगा एच और वाई, तो एच प्लस वाई, और डी सी में क्या पुट करना पड़ेगा एक्स। अब हमारा फाइनल इक्वेशन में टैन बीटा भी चाहिए वाई भी चाहिए एच भी चाहिए, क्या क्या है टैन बीटा भी है वाई भी है एच भी, तो फाइनल इक्वेशन में टैन बीटा भी चाहिए
एच भी हमको चाहिए, वाई भी चाहिए, एक्स नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उसका इक्वेशन बनाएंगे, इसलिए आप दोनों को क्या कर देंगे, इसको एक्सचेंज। ये पॉइंट याद रखिए, पॉइंट बुक्स में नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो दोनों के एक्सचेंज, तो एक्स यहां पे आ जाएगा टैन बीटा वहां पे, तो एक्स इज इक्वल टू एच प्लस वाई अपॉन टैन बीटा। अब बताइए इक्वेशन नंबर वन में भी लेफ्ट हैंड साइड एक्स, इक्वेशन नंबर टू में भी लेफ्ट हैंड साइड एक्स, दोनों इक्वेशन एक्स का बनाया। अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तब हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन और टू के राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे। ये देखिए इक्वेशन वन इज इक्वल टू इक्वेशन टू। इक्वेशन वन का राइट हैंड साइड क्या, वाई अपॉन टेन अल्फा, वाई अपॉन टेन अल्फा। इक्वेशन टू का राइट हैंड साइड क्या है, एच प्लस वाई अपॉन टेन बीटा। ये अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वाई टेन बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एच प्लस वाई टेन अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लिए, सो इट इज वाई टेन बीटा इज इक्वल टू, सो वाई टेन बीटा इज इक्वल टू, अब एच के साथ भी टेन अल्फा मल्टीप्लाई होगा, एच टेन अल्फा प्लस वाई के साथ भी टेन अल्फा मल्टीप्लाई होगा टेन अल्फा। अब हमको इक्वेशन किसका बनाना है, वाई का, और इक्वेशन में टेन बीटा पॉजिटिव चाहिए, टेन अल्फा नेगेटिव। क्या चाहिए वाई के साथ, टेन बीटा पॉजिटिव और टेन अल्फा नेगेटिव। तो ये टेन अल्फा के टर्म्स को यहां शिफ्ट कर दिए, सो विल गेट वाई टेन बीटा माइनस वाई टेन अल्फा इज इक्वल टू एच टेन अल्फा। समझ आ रहा है, सो हमारी इक्वेशन जो है, इक्वेशन वाई का बनाना है तो वाई के सारे टर्म एक तरफ लेंगे, और इक्वेशन वाई के इक्वेशन में टैन बीटा पॉजिटिव चाहिए, टैन अल्फा नेगेटिव। वाई के इक्वेशन में टैन बीटा पॉजिटिव, टैन अल्फा नेगेटिव। तो टैन बीटा देखिए पॉजिटिव है, और टैन अल्फा को राइट से लेफ्ट में लेके आ जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स टैन अल्फा। दोनों में वाई कॉमन ले लिए, वाई बने, अगर वाई यहां कॉमन ले लिया, यहां भी वाई कॉमन ले लिया, यहां भी वाई कॉमन ले लिया, तो मैंने क्या बच जाएगा यहां पे, टैन बीटा, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन यहां पे, और टैन अल्फा इज इक्वल टू, सो दोनों में क्या किया, वाई कॉमन ले लिया, वाई कॉमन लेने के बाद टैन बीटा माइनस टैन अल्फा इज इक्वल टू एच टैन अल्फा। अब ये वाई के साथ ये टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा तो डिविजन में आ जाएगा, यू विल गेट वाई इज इक्वल टू एच टैन अल्फा अपॉन। तो y के साथ ये टर्म पूरा मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है ना, दिस या मल्टीप्लीकेशन में जब राइट साइड में आएगा तो यहां पे नीचे आ जाएगा डिवीजन में, y इज इक्वल टू एच टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा, टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। और हमको यही देखिए प्रूफ करना था, y इज इक्वल टू एच टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा, ये इक्वेशन, y इज इक्वल टू एच टैन अल्फा, न्यूमरेटर में देख ले एच टैन अल्फा है, नीचे टैन बीटा माइनस टैन अल्फा है, ये एच टैन अल्फा न्यूमरेटर में, नीचे टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। सो दिस इज द प्रूफ, सो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे, एक टावर है जिसकी हाइट वाई है, अज्यूम किया फिगर में, इट इज सरमाउंटेड बाय फ्लैग स्टाफ, सरमाउंटेड, कभी भी वर्ड आ गया सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर, यानी टावर के ऊपर फ्लैग स्टाफ है, और फ्लैग स्टाफ की हाइट दिया है एच, क्वेश्चन में दिया है फ्लैग स्टाफ की हाइट एच है, ये टावर की हाइट वाई अज्यूम किया, डिस्टेंस एक्स अज्यूम किया, बाद में पॉइंट डी से टावर के पहले फुट बॉटम, टॉवर के बॉटम का एंगल अल्फा दिया है, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, टॉप का नहीं पहले बॉटम का, तो बॉटम का एंगल दिया, फ्लैग स्टाफ के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा दिया, और फ्लैग स्टाफ का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा दिया है। तो हमको प्रूफ करना है कि टॉवर की हाइट यानी वाई, टॉवर की हाइट वाई ये है एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा, तो हमने वाई इज इक्वल टू कर दिया, बुक में इतना दिया है, लेकिन टॉवर की हाइट वाई प्रूफ करना है, इसलिए हमने वाई इज इक्वल टू लिख दिया है, वाई इज इक्वल टू एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब हमको देखिए प्रूफ करने से पहले हमेशा इक्वेशन देखेंगे, टैन अल्फा टैन बीटा, टैन अल्फा है और टैन बीटा है, तो हम यहां से टैन अल्फा की इक्वेशन निकालेंगे और टैन बीटा का, तो टैन अल्फा के लिए हमको छोटा ट्रायंगल लेना पड़ेगा बीसीडी, छोटा ट्रायंगल बीसीडी टैन अल्फा, और बड़ा टैन बीटा के लिए बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा एसीडी, ये बड़ा ट्रायंगल टैन बीटा के लिए। और दोनों में इक्वेशन बनाने के बाद हमारे फाइनल इक्वेशन में एच चाहिए, वाई चाहिए, टैन चाहिए, एक्स नहीं चाहिए, देखिए एक्स कहीं नहीं, ये देखिए जो एक्स है नहीं है, एक्स कहीं पर भी नहीं, इसलिए जो नहीं है ना एक्स इक्वेशन उसका बनाएंगे, तो टैन अल्फा का इक्वेशन वहां से एक्स का इक्वेशन, फिर टैन बीटा का इक्वेशन वहां से एक्स का इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन वन और टू का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है एक्स, तो राइट हैंड साइड इक्वेट कर देंगे, तो राइट हैंड साइड में वाई टैन अल्फा, वाई अपॉन टैन अल्फा इज इक्वल टू एच प्लस वाई अपॉन टैन बीटा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बताइए वाई के साथ ये टैन बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और एच प्लस वाई के साथ टैन अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये वाई टैन बीटा और ब्रैकेट यहां ओपन करेंगे तो एच के साथ भी टैन अल्फा आएगा प्लस वाई के साथ भी टैन अल्फा आएगा। अब हमको इक्वेशन y का चाहिए तो y के सारे टर्म एक तरफ ले लेंगे,
तो y tan बीटा ऑलरेडी यहां पे है, y tan अल्फा यहां शिफ्ट कर दिए, प्लस है यहां, निकट क्या आ जाएगा माइनस। तो y tan बीटा माइनस y tan अल्फा इज इक्वल टू s tan अल्फा, दोनों में y कॉमन ले लिया, सो tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू s tan अल्फा। अब y के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर जाएगा तो डिविजन में आ जाएगा, यानी s tan अल्फा के नीचे आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू s tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। दिस द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। बुक में थोड़ा मेथड अलग है, हमने एक सिंपल मेथड आपको लॉजिक बता दिया क्या है, यू हैव टू यूज इट लाइक दिस। यस, ये क्वेश्चन नंबर 33, सॉल्व एग्जांपल नंबर 33 है, पेज 12.19। एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री दिया थीटा 90 माइनस थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हैं, एक्सरसाइज 12.1 जो आपने किया इसके पहले, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको हमने पहले कराए लेवल वन के, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 45 पेज 12.32 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जहां पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। दिस बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, वहां पे डिस्टेंस 4 और 9 था, हमको प्रूव करना था कि h इज इक्वल टू 6, यहां पे प्रूव करना है h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ab, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। सो आई एम नॉट टेकिंग दिस, आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 33 पेज 12.19 पे जो है सॉल्व एग्जांपल, जहां एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री दिया है थीटा और 90 माइनस थीटा, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 45, ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है आपको, हमने पूरा सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। यस, ये सॉल्व एग्जांपल नंबर 36, क्लाउड का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्लाउड और उसका रिफ्लेक्शन लेक में, थोड़े टफ क्वेश्चन है, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, लेवल 2 में है पूरे क्वेश्चन, लेकिन लेवल 2 में मार्क्ड वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए। सो दिस क्वेश्चन नंबर 36, सॉल्व एग्जांपल नंबर 36, पेज 12.21, इसमें क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन में एक लेक है, लेक, दिस इज द लेक, लेक वाटर लाइक दिस, कोई भी एक तालाब वगैरह लाइक दिस, पानी है लेक वाटर। नाउ लेक के किनारे कोई एक आध टावर वगैरह है जिसकी हाइट 60 मीटर है, टावर हो सकता है, हिल हो सकता, जो भी, इसकी हाइट है 60 मीटर। ये जो 60 मीटर हाइट है, यहां से एक क्लाउड को देख रहे, क्लाउड बादल को ऊपर देख रहे, बादल को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, कहां से देख रहे, ध्यान रखिए लेक यानी ग्राउंड लेवल ये है, ये ग्राउंड लेवल है, लेकिन ग्राउंड लेवल या लेक लेवल से नहीं देख रहे क्लाउड को, वहां लेक से 60 मीटर ऊपर, 60 मीटर ऊपर वहां से क्लाउड को देख रहे, क्लाउड को देख रहे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया 30। इसी पॉइंट से वो क्लाउड का पानी के अंदर रिफ्लेक्शन आ रहा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, यानी ऊपर बादल है और जो पानी है, पानी के अंदर एक्चुअली उसका रिफ्लेक्शन है, लाइक दिस रिफ्लेक्शन आ रहा, उसको जब नीचे रिफ्लेक्शन को देखे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 60, ठीक है, लाइक दिस। सो याद रखिए, ये जो लेक है, लेक अगर लेक लेवल से क्लाउड को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम आएगा, किसका, क्लाउड का और उसके रिफ्लेक्शन का। लेकिन ध्यान रखिए, क्वेश्चन में ऐसे क्लाउड के सारे क्वेश्चन में लेक लेवल से कहीं नहीं देख रहे, जो लेक का लेवल है, लेक लेवल से थोड़ा ऊपर से देख रहे, तो यहां जो लेक है, पानी का जो लेवल है या ग्राउंड जो लेवल है, ग्राउंड लेवल से 60 मीटर ऊपर टावर हिल जो भी होगा, इसमें सिर्फ दिया 60 मीटर अबव लेक लेवल, तो 60 मीटर ऊपर यहां से क्लाउड को देख रहे, तो यहां से नहीं चाहिए, क्लाउड पास है और रिफ्लेक्शन दूर है। अगर लेक के लेवल से देखेंगे तो जितना दूर क्लाउड है उतना ही दूर रिफ्लेक्शन है, अगर लेक पानी के लेवल से देखेंगे तो जितना दूर यहां से क्लाउड है उतना ही दूर उसका रिफ्लेक्शन है, लेकिन अगर लेक से 60 मीटर ऊपर आ गए, 60 मीटर ऊपर, तो क्लाउड के ज्यादा पास आ गए हम, अब क्लाउड पास हो गया और रिफ्लेक्शन दूर हो गया, क्लाउड क्या हो गया पास और रिफ्लेक्शन क्या हो गया दूर। सो आई एम रिपीटिंग, ये जो लेक का, जो लेक का जो पानी है, तालाब का जो पानी है, अगर पानी के लेवल से हम क्लाउड को देखेंगे और पानी के लेवल से रिफ्लेक्शन देखेंगे, तो जितना दूर पानी के लेवल से क्लाउड है उतना ही दूर पानी के लेवल से रिफ्लेक्शन है, दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम आएगा, लेकिन क्लाउड के हर प्रॉब्लम में कभी भी लेक लेवल से देखने के लिए नहीं दिया रहेगा, लेक से थोड़ा सा ऊपर, लेक से ऊपर। तो अज्यूम करते हैं, यहां पे क्वेश्चन में दिया 36 में कि लेक से 60 मीटर ऊपर, लेक से 60 मीटर ऊपर ये पॉइंट है, यहां से देख रहे, नेचुरली आप लेक से जब ऊपर गए तो क्लाउड हमसे पास आ गया और रिफ्लेक्शन दूर हो गया, क्लाउड हमसे पास आ गया, जितना हम ऊपर जाएंगे क्लाउड हमसे पास आ जाएगा, रिफ्लेक्शन दूर होगा। सो लेक से 60 मीटर ऊपर आ गए, यहां से क्लाउड को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, देखिए एरो ऊपर देख रहे एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहां से इसी क्लाउड का पानी में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसको देख रहे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा 60। हमको क्या कैलकुलेट करना है, ये पानी के लेवल से क्लाउड की हाइट h, क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअली जो पानी का लेवल है
ये पानी का लेवल जो है वाटर लेवल, ये देखिए यहां से क्लाउड की हाइट, बताइए पानी के लेवल से क्लाउड की जितनी हाइट होगी h, उतना ही पानी के लेवल से उसकी रिफ्लेक्शन की हाइट होगी h। सॉरी कभी याद रखिए, बिल्कुल सिंपल चीज है, जैसे पानी है जितना दूर यहां पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही अंदर पानी में रिफ्लेक्शन आएगा। सो अगर ये पानी का जो लेवल है यहां से क्लाउड h मीटर ऊपर है, h मीटर, तो यहां से इसका रिफ्लेक्शन भी h मीटर नीचे होगा। या सिंपल एग्जांपल, एक सिंपल मिरर है, कोई भी एक मिरर है, आयना है, आयने के सामने आप खड़े रहेंगे, जितना आयने से आप दूर हैं आपका रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर उतने ही दूर रहेगा। आप अगर मिरर के पास जाएंगे तो रिफ्लेक्शन भी पास आएगा, आप अगर मिरर से दूर जाएंगे तो रिफ्लेक्शन भी दूर जाएगा। तो बिल्कुल सेम, जैसे मिरर है, मिरर से जितने दूर हम खड़े रहेंगे उतने ही दूर पीछे हमारा रिफ्लेक्शन आएगा। दिशाती बिल्कुल सेम तरीके से ये मिरर है, वाटर लेवल, ये वाटर लेवल, जितना दूर यहां से क्लाउड है एच, उतना ही अंदर उसका रिफ्लेक्शन रहेगा एच रिफ्लेक्शन। लेकिन हाँ, अगर हम वाटर लेवल से देखेंगे तो वाटर लेवल से जितना क्लाउड ऊपर है वाटर लेवल से रिफ्लेक्शन उतने नीचे, लेकिन हम वाटर लेवल नहीं, वाटर लेवल से 60 मीटर ऊपर देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? एक्चुअली वाटर लेवल से कितना, 60 मीटर ऊपर जाके फिर देख रहे हैं आप। तो नेचुरली हम क्लाउड के ज्यादा पास हो गए और रिफ्लेक्शन से दूर हो गए। तो सपोज ये पॉइंट ई है जो वाटर लेक लेवल से, लेक का जो वाटर है उसके लेवल से 60 मीटर ऊपर, तो लेक वाटर के 60 मीटर ऊपर ये पॉइंट ई से हम क्लाउड को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30, और यहां से हम इसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60। हमको क्या कैलकुलेट करना है? वाटर लेवल से क्लाउड की हाइट एच, ये कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना? वाटर लेवल से क्लाउड की हाइट, और देखिए इसको भी हमने मार्क किया एच, ये वाटर लेवल से एच मार्क किया, जितना वाटर लेवल से क्लाउड जितना ऊपर है एच उसका रिफ्लेक्शन उतना ही नीचे रहेगा एच, ये भी एच रहेगा, और ये 60 है। बताए अगर लाइन पैरल है, ये दो लाइन अगर यहां पैरल, तो ये 60 है, नेचुरली ये भी 60 है, ये भी क्या जाएगा 60, ये पूरा है h हाइट ऑफ क्लाउड, ये है 60, तो बचा हुआ कितना रहेगा h माइनस 60, यानी यहां से यहां तक पूरा h है और ये 60 है, तो बचा कितना h में से 60 माइनस करेंगे तब आएगा h माइनस 60 लाइक दिस। तो 30 डिग्री का अगर देखेंगे, 30 डिग्री का अपोजिट साइड है और 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड अज्यूम किया x, वैसे 60 डिग्री का अपोजिट साइड ये रहेगा लाइक दिस उसका एडजेसेंट साइड। सो दो ट्राइंगल है, पहले ट्रायंगल लेंगे ए बी ई, क्या ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ए बी, क्या निकालेंगे टेन 30, और हमको क्या कैलकुलेट करना है हाइट, हाइट यानी एच कैलकुलेट करना है। तो हमको एच का आंसर चाहिए, एक्स नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए एक्स उसका इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले ट्रायंगल से टेन थर्टी का इक्वेशन निकालेंगे, वहां से एक्स का इक्वेशन बनाएंगे, दूसरे ट्रायंगल से टेन 60 का इक्वेशन बनाएंगे, वहां से भी एक्स का इक्वेशन बनाएंगे, और दोनों एक्स के इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। दिस अदी So, क्या करेंगे, देखिए पहले ट्रायंगल कौन सा, छोटा ट्रायंगल ए बी, यहां पे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी का फिगर दिख रहे, ए से बी, बी से ई, ई से, याद रखिए ए से बी कितना एच माइनस 60, कैसे आया, ये वाटर लेवल से क्लाउड की हाइट एच है लेकिन वाटर लेवल से 60 मीटर ऊपर है तो यह है 60, तो बताइए ये कितना बचेगा, एच में से 60 को कम कर देंगे यानी एच माइनस 60, और ये डिस्टेंस एक्स अज्यूम किया, तो यहां पे ट्रायंगल बना रहे हैं ए बी ई, ए बी ई, दिस एंगल इज 30, ये है एच माइनस 60 एंड दिस इज एक्स, ओके। सो देखिए ए से बी, ए से बी यानी एच माइनस 60, बी से ई यानी एक्स, और ये 30 डिग्री, सो ए से बी एच माइनस 60, एच माइनस 60 ए से बी, बी से ई तक एक्स है ये, और ये एंगल 30, मतलब 30 का ये अपोजिट साइड है और 30 का ये एडजेसेंट साइड है, यहां से टेन 30 का इक्वेशन, टेन 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री का अपोजिट ए बी अपॉन इसका एडजेसेंट ई बी, सो टेन 30, टेन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट 30 का अपोजिट ए बी अपॉन एडजेसेंट एडजेसेंट ई बी, ए बी की जगह एच माइनस 60 लिखेंगे, ई बी की जगह एक्स लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू एच माइनस 60, क्योंकि ए बी के लिए एच माइनस 60 और ई बी की वैल्यू एक्स, और टेन 30 की वैल्यू, सिंपल वैल्यू टेन 30 की, टेन 30 इज 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू h माइनस 60 अपॉन x। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, देखिए हाइट ऑफ क्लाउड यानी h कैलकुलेट करना है,
हमको हाइट ऑफ क्लाउड एच कैलकुलेट करना, तो एच कैलकुलेट करना है, एक्स नहीं करना है जो हमको, तो यहां क्या करना है, एच को हमको कैलकुलेट करना है, एक्स को नहीं करना है, जो नहीं करना उसके इक्वेशन बनाएंगे, जो नहीं करना। तो फिर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा रूट थ्री यहां पे, सो वन इंटू एक्स इज इक्वल टू एच माइनस 60 इंटू रूट थ्री, ये हमारा इक्वेशन आ गया, एक्स इज इक्वल टू एच माइनस 60 रूट थ्री, इक्वेशन नंबर वन, एक्स इज इक्वल टू एच माइनस 60 इंटू रूट थ्री। कौन सा ट्रायंगल लिया, छोटा ट्रायंगल, कौन सा, ए बी ई, और टेन 30 निकाला, टेन 30 इज एच माइनस 60 अपॉन एक्स, टेन 30 इज इक्वल टू एच माइनस 60 अपॉन एक्स, टेन 30 की वैल्यू पुट किया, एक्स का इक्वेशन बना लिया। अब हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ई से बी, बी से पूरा डी तक, अच्छे से ध्यान रखिए बी से लेकर डी तक, देखिए क्या आएगा, ये 60 भी आ जाएगा, ये 60, ये जो 60 यहां से है 60, और जितने ऊपर क्लाउड की हाइट है एच, उतने अंदर उसका रिफ्लेक्शन भी है, तो यहां से यहां तक एच भी है, ये एच और ये 60 है, ठीक है, सो एच और 60 दोनों ऐड करना पड़ेगा। सो अब ट्रायंगल ले रहे ई बी डी, सो सेकेंड स्टेप में ट्रायंगल ई बी डी बी डी, और यहां पे बीच में कहीं सी है, देखिए सी, देखिए बी से लेकर सी तक 60 है, बी से लेकर सी तक 60 है, और सी से लेकर डी तक देखिए एच है, जितना क्लाउड वाटर लेवल से जितना ऊपर उसकी हाइट है एच, उस वाटर लेवल से उसका रिफ्लेक्शन भी सेम रहेगा, तो ये एच है, ये एच है, ये 60 है, सो बी से लेकर डी तक में दोनों ऐड करना पड़ेगा, यहां पे 60 और एच दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और ये x, ये एंगल 60, एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे देख रहे, तो देख ले अच्छे से ट्रायंगल, ई से बी, बाद में बी से सी के थ्रू देखिए डी, जिसमें 60 और एच दोनों ऐड होगा, सो बी से सी के थ्रू डी, जिसमें 60 एच दोनों ऐड होगा, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है, ये x हो गया, सो अब यहां से इक्वेशन बनाएंगे tan 60 का, पर ये 60 का अपोजिट ही हो गया, जिसमें 60 और एच दोनों ऐड होगा, 60 प्लस एच, और एडजेसेंट ही हो गया 60 का एडजेसेंट, बाद में 90 डिग्री का जो अपोजिट है तो हाइपोटेन्यूज रहेगा, 90 डिग्री का अपोजिट दिस इज हाइपोटेन्यूज, इसका 60 का ये अपोजिट हो गया, 60 का एडजेसेंट ही हो गया, 90 हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, tan 60 इज इक्वल टू 60 का अपोजिट, 60 का अपोजिट बी से लेकर डी तक पूरा, ये 60 का अपोजिट पूरा बी से लेकर डी तक, अपॉन एडजेसेंट में ई बी आएगा, देखिए बी से लेकर डी तक में ये 60 जो है, बी से लेकर डी तक में जो 60 है ये 60 और एच दोनों ऐड होगा, मतलब 60 प्लस एच आएगा, अपॉन ई बी एडजेसेंट एक्स है, और tan 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू है रूट थ्री, अब फिर से हमको क्या कैलकुलेट करना है, h हमको कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट नहीं करना है, तो x का इक्वेशन, तो x का इक्वेशन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, x को यहां लाइए रूट थ्री यहां पे, सो x इज इक्वल टू 60 प्लस h अपॉन रूट थ्री, ये इक्वेशन नंबर हमारा टू हो गया, सिंपल है एक्चुअली। सो क्या है, एक लेक पानी का लेवल यहां से 60 मीटर ऊपर गए, यानी हम बादल से क्लाउड से ज्यादा पास हो गए, अब यहां से देख रहे क्लाउड को तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30, और यहां से पानी के अंदर उस क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देख रहे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60। हमको वाटर लेवल से क्लाउड की हाइट कैलकुलेट करना है एच, और पानी से क्लाउड जितना ऊपर होगा एच, और पानी से उसका रिफ्लेक्शन उतना ही नीचे होगा एच, तो ये 60 है, 60 की वजह से क्या होगा, ये एच और ये 60, तो ये बचा कितना, एच माइनस 60, और अगर सपोज यहां से यहां तक लेंगे तो ये 60 और ये h है, 60 ये दोनों ऐड होगा, यहां h माइनस 60 रहेगा, यहां पे h प्लस 60 रहेगा, या 60 प्लस h, ये इक्वेशन, तो पहला ट्रायंगल tan 30 h माइनस 60 अपॉन x, वहां से x का इक्वेशन निकाला, दूसरा ट्रायंगल tan 60 प्लस h अपॉन x, वहां से x का इक्वेशन निकाला, अब यहां भी लेफ्ट हैंड साइड x, यहां भी लेफ्ट हैंड साइड x, मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते, यानी इक्वेशन वन इज इक्वल टू इक्वेशन टू, और यू विल गेट द रिजल्ट, इक्वेशन वन और टू को इक्वेट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा।
एच माइनस 60 इंटू रूट थ्री, देखिए इसका राइट हैंड साइड एच माइनस 60 इंटू रूट थ्री और इसका राइट हैंड साइड 60 प्लस एच अपॉन रूट थ्री। इसका राइट हैंड साइड एच माइनस 60 इंटू रूट थ्री, इसका राइट हैंड साइड 60 प्लस एच अपॉन रूट थ्री। अभी रूट थ्री मल्टीप्लाई हो जाएंगे, विल गेट एच माइनस 60 रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ये रूट थ्री यहां शिफ्ट कर दिया तो बताइए रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा राइट साइड में 60 प्लस एच बच गया, एच माइनस 60 रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज इक्वल 60 प्लस एच, रूट थ्री मतलब रूट थ्री स्क्वायर इज थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज रूट थ्री स्क्वायर जो कैंसिल होकर थ्री हो जाएगा 60 प्लस एच, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, एच माइनस 60 इंटू थ्री इज इक्वल टू 60 प्लस एच। अब इसको सॉल्व कर लिया, हमको हाइट कैलकुलेट करना, तो 3 से एच भी मल्टीप्लाई होगा, 3 60 भी मल्टीप्लाई होगा, 3h माइनस 60 इंटू थ्री माइनस 60 इंटू थ्री इज इक्वल टू 60 है, 60 है प्लस h। अब यहां पे आ गया 3h माइनस 63 जा 63 जा 18 180 h के सारे टर्म इधर ले लिए तो h को यहां लेके आ जाएंगे और ये माइनस 180 यहां लेके चलेंगे, तो 3h माइनस h इज इक्वल टू ये 3h हो गया और ये प्लस h के यहां लाएंगे तो माइनस h और ये माइनस 180 वहां जाके प्लस आएगा 60 प्लस 180, सो दिस इज 3h, ये प्लस h यहां आएगा तो माइनस h इज इक्वल टू राइट साइड में 60 और माइनस 180 वहां जाके प्लस 180। नाउ 3h माइनस h, याद रखिए h का सब्सट्रैक्शन नंबर का करना पड़ता है, तो 3 माइनस यहां कुछ नहीं यानी 1 है, यानी 3 माइनस 1, तो 3h माइनस h इज इक्वल टू 2h, 60 प्लस 180 इज इक्वल टू 240, तो 3h माइनस h में क्या करना पड़ता है, h को नहीं नंबर को, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज टू 2h और 60 प्लस 180 240, 2h इज इक्वल टू 40, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को यहां लिख जाएगी नीचे आ जाएगा, सो h इज इक्वल टू 240 अपॉन 2 और h इज इक्वल टू 240 मीटर, h इज इक्वल टू 40 मीटर, सर 240 अपॉन 2, 240 को 2 से डिवाइड कर देंगे, इट इज 120 बेसिकली, सो 240 2 से डिवाइड करेंगे 240 को, 240 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट इज 120, सो h इज इक्वल टू 120 मीटर, यानी हाइट ऑफ द क्लाउड अबव वाटर लेवल, सो पानी लेवल से क्लाउड की हाइट है 120 मीटर, सो दिस इज अ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन एक दो और करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये आपका 36 हुआ, क्वेश्चन नंबर 35 इसके पहले जो क्वेश्चन है 35 वो इक्वेशन के फॉर्म में थोड़ा ज्यादा टफ है, इसलिए इसके बाद अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 35 इसके बाद लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 36। सो क्लाउड के सारे क्वेश्चन में वाटर लेवल रहेगा, वाटर लेवल से थोड़े हाइट पर जाकर क्लाउड को देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, वहां उसका नीचे रिफ्लेक्शन देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा, दो ट्रायंगल बनेंगे और वहां पे वाटर लेवल से क्लाउड की हाइट h, जितना पानी से क्लाउड ऊपर रहेगा उसी पानी से उसका रिफ्लेक्शन तो नीचे रहेगा, अगर ये h है तो ये भी h, लेकिन ये 60 की वजह से क्या होगा, ये 60 है, ये h, ये 60 थी h माइनस 60 और ये 60 है और ये h, ये देखिए 60 और h, यहां पे h माइनस 60 और यहां पे h प्लस 60, ये h प्लस 60 हो जाएगा और ये x, तो दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल से tan 30 का इक्वेशन बनाया और tan 30 के इक्वेशन के बाद x का इक्वेशन निकाला, दूसरे ट्रायंगल से tan 60 का इक्वेशन बनाया और फिर से x का इक्वेशन और दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम, इसलिए राइट हैंड साइड इक्वेट कर देंगे, और x का इक्वेशन क्यों बनाया, क्योंकि हमको हाइट कैलकुलेट करना है, यानी ये h कैलकुलेट करना है h और x कैलकुलेट नहीं करना है, तो जो हमको कैलकुलेट करना है h उसका इक्वेशन नहीं, जो कैलकुलेट नहीं करना है x उसका इक्वेशन बनाएंगे, और दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को इक्वेट किया, उसके बाद कैलकुलेशन के यू गेट द रिजल्ट, सो हाइट ऑफ क्लाउड इज 120 मीटर, यानी पानी वाटर लेवल से क्लाउड एक्चुअली 120 मीटर है। हाँ, अगर आपको ये देखना है कि ये लेवल से कितना है, अगर ये आपको कैलकुलेट करते ये 120 है, ये 60 है, तो यहाँ पे 120 माइनस 60 यानी 60 बच जाएगा, ये 60, लेकिन वाटर लेवल से क्लाउड की हाइट हमेशा जब भी कैलकुलेट करेंगे वाटर लेवल से, सो वाटर लेवल से क्लाउड की हाइट h का आंसर आ गया 120 मीटर। इसके बाद दो क्वेश्चन और ऐसे क्लाउड वाले करेंगे, इक्वेशंस वाले आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।